हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम यहाँ पर कक्षा तीसरी के लिए विषय हिंदी, हिंदी विषय में हम क्या करेंगे बच्चों? मात्राएं को अध्ययन करेंगे, मात्राएं को अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है, सभी को अपनी अपनी किताबें निकालनी है। ओके, निकालिए बच्चों। पेज नंबर फाइव निकाला आप सभी ने। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था बताइए बच्चों? लास्ट क्लास में हमने वर्णमाला के बारे में अभ्यास किया था। वर्णमाला में वर्ण कितने हैं बच्चों बताइए? वर्णमाला में वर्ण 52 हैं, 52 वर्ण हैं। और वर्णों के भेद कितने हैं बच्चों? वर्णों के दो भेद किए गए हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। तो ऑलरेडी हम स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों? मात्राएं, अ से औ तक। मस यहाँ पर हम क्या करेंगे? हिंदी की मात्राओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि बच्चों, हमें हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? मात्राओं की सहायता लेनी पड़ती है, या फिर मात्राओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए हिंदी वर्णमाला को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पता है ना बच्चों, हमें शब्द और वाक्यों की रचना करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? यहाँ पर हमें मात्राओं की सहायता लेनी पड़ती है, या फिर मात्राओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों? वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि स्वर और व्यंजन। स्वर जो है वे स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण किया जाता है। स्वर जो है यहाँ पर क्या होता है? मात्राएं हमेशा स्वरों की होती हैं, और स्वर जो है उन्हें स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों? व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमें क्या करनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय में क्या करना पड़ता है बच्चों? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि हमेशा व्यंजनों को पूरा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्वरों की सहायता पड़ती है। तो स्वरों के ही मात्राएं होती हैं और व्यंजनों के नहीं। यहाँ पर मात्राएं किसकी होती हैं बच्चों? स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। तो व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस हिंदी कक्षा में क्या करेंगे? मात्राओं के बारे में अभ्यास करेंगे। मात्राओं को किस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है, इसके बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, स्वर जो होते हैं वे उनके ही क्या होते हैं, यहाँ पर मात्राएं होते हैं। तो स्वर पहला अक्षर कौन सा है बच्चों? स्वर का पहला अक्षर क्या है? अ। स्वर का पहला अक्षर क्या है? अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इसकी कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ पर अ की कोई मात्रा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आ। आ की मात्रा क्या है बच्चों? आ की मात्रा क्या है? यहाँ पर आ की मात्रा है इस तरह। आ की मात्रा क्या होती है बच्चों? हमेशा अक्षर के बाद, किसी भी अक्षर के बाद इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं एक व्यंजन लेती हूँ और उसके आगे आ की मात्रा लगाती हूँ, तो क्या हो गया? ये क का आ हो गया। क का क्या हो गया बच्चों? आ हो गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम
यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो क का क्या बन गया बच्चों, का बन गया। ख को अ लगाने से, आ की मात्रा लगाने से खा बन गया। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों, क को आ लगाने से क का आ बन गया, क को आ लगाने से का बन गया, ख को आ की मात्रा लगाने से खा बन गया। ये जो मात्रा है हमेशा किसी अक्षर के बाद लगाई जाती है। ओके, ध्यान में रखिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब आपको मात्राएं आते हैं तो तभी आपको शब्द और वाक्य रचना करने के लिए बहुत ही सरल होगा। ओके, तो पहले आपको क्या करना चाहिए बच्चों, पहले आपको मात्राएं आनी चाहिए, तो इसीलिए इस वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखिए। ओके, नेक्स्ट ई, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा यहाँ पर किस तरह से लिखी जाती है। छोटी की मात्रा देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से लिखी जाती है। छोटी की मात्रा देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम, ये क्या होता है बच्चों, अक्षर के पहले यानी कि किसी भी अक्षर के पहले इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या होता है जब बच्चों, ये जो मात्रा है किसी अक्षर से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क, क है, अब हम क्या करेंगे, छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। छोटी की मात्रा किस तरह से यहाँ पर की जाती है, देखिए क को ई यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो क्या होता है कि, देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इस तरह से लिखेंगे तो की होता है। तो उसी तरह से ख को यहाँ पर ई की मात्रा लगाई जाती है तो क्या होता है, खी होता है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। तो एक जो मात्रा है ये क्या होती है बच्चों, किसी भी अक्षर के पीछे लग जाती है या फिर लगाई जाती है। नेक्स्ट, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा देखिए बच्चों, इसे हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। एक लाइन खींची जाती है और उसे इस तरह से लिखा जाता है। ए जो मात्रा है बच्चों हमेशा क्या होती है, किसी भी अक्षर के आगे लगाई जाती है। बड़ी की मात्रा जो है किसी भी अक्षर के आगे लगाई जाती है या फिर अक्षर के बाद लगाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, क जो है इसे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, क जो है उसे हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाता है, देखिए की, क्या बन गया बच्चों, की बन गया। बड़ी की मात्रा यानी कि यहाँ पर थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण किया जाता है, की। ख को बड़ी की मात्रा लगाने से क्या बन गया, खी। समझ में आ गया बच्चों, खी। ओके, आगे देखिए बच्चों, उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा ये हमेशा किसी भी अक्षर के नीचे लग जाती है। ये हमेशा क्या होती है बच्चों, किसी भी अक्षर के नीचे लग जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क को उ लगाने से क्या होता है बच्चों, क को हम क्या करेंगे, उ की मात्रा लगाएंगे, क को उ की मात्रा लगाने से क्या बन गया, कू। क को उ की मात्रा लगाने से क्या बन गया बच्चों, कू बन गया। उसी तरह ख को उ की मात्रा लगाने से खू बन गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ओके, नेक्स्ट, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा जो है ए भी क्या होती है, ए मात्रा किसी अक्षर के नीचे लगाई जाती है, किसी भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए नीचे लगाई गई है ना बच्चों, सॉरी, ये जो है इसे हम हलंत कहते हैं, ये जो है इसे हम
हलंत कहते हैं। हलंत यानी के इसका उच्चारण आधा किया जाता है। क को अ से हटाकर सिर्फ क हलंत कहा जाता है, तो क का उच्चारण आधा होता है, क क हो जाता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बड़ी उ की मात्रा, क को हम क्या करेंगे, बड़ी उ की मात्रा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क हलन जमा उ, क हलन जमा उ, बड़ी उ की मात्रा कु, क्या बन गया बच्चों, कु, क्या बन गया, कु बन गया। जब खू को लगाते हैं तो हम क्या बन गया यहाँ पर, खू। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है और आ की मात्रा जो है हमेशा किसी भी अक्षर के आगे लगाई जाती है। ई की मात्रा यहाँ पर देखिए इस तरह होती है और ए जो मात्रा है हमेशा किसी भी अक्षर के पीछे लगाई जाती है। बड़ी ई की मात्रा जो है ये किसी भी अक्षर के आगे लगाई जाती है। ऊ की मात्रा आपको ध्यान रखना है। ओके, ऊ की मात्रा, ये जो ऊ की मात्रा है ये हमेशा किसी अक्षर के नीचे लगाई जाती है और ऊ की मात्रा ये भी क्या है, किसी भी अक्षर के नीचे लगाई जाती है। ओके, ध्यान में आ गए ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट ऊ की मात्रा, अब हम रू की मात्रा देखेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, रू की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है, रू की मात्रा जो है इस तरह से लिखी जाती है। तो रू को हम हमेशा किसी भी अक्षर के नीचे देख सकते हैं या किसी भी अक्षर के नीचे इस रू की मात्रा को उपयोग प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क को हम रू लगाएंगे, क हलन जमा रू क्रू, देखिए यहाँ पर क जमा रू क्रू हो गया ना बच्चों। जैसे हम क्रू कहते हैं उसी तरह ख को लगाने से क्रू, ख को लगाने से क्रू बन गया। नेक्स्ट रू के बाद ए की मात्रा, ए की मात्रा जो है हमेशा किसी भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। ए की मात्रा जो है हमेशा क्या होती है बच्चों, यह किसी भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर क को हम क्या करेंगे, रू ए की मात्रा लगाएंगे, क जमा ए के, क जमा ए के, उसी तरह ख जमा ए खे, समझ में आ गया ना बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आई की मात्रा, आई की मात्रा भी क्या होती है बच्चों, हमेशा किसी भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क को हम क्या करेंगे, आई की मात्रा लगाएंगे, क को हम आई की मात्रा लगाएंगे, क हलन जमा आई बराबर कई, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, क हलन जमा आई की मात्रा बराबर कई, उसी तरह ख को आई लगाने से खई, समझ में आ गया। नेक्स्ट ओ की मात्रा, ओ की मात्रा भी हमेशा किसी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। ओ की मात्रा भी क्या होती है बच्चों, हमेशा किसी अक्षर के ऊपर ही लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क को हम क्या करेंगे, औ की मात्रा लगाएंगे, क हलन जमा ओ, क हलन जमा ओ को, क हलन जमा ओ को। नेक्स्ट ख हलन जमा ओ खो,
तो यहाँ पर व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है बच्चों? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और सिर्फ स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट औ, नेक्स्ट औ, औ की मात्रा भी जो है वह हमेशा किसी अक्षर के ऊपर ही लगाई जाती है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर क को औ की मात्रा लगाने से क का क्या बन जाता है, देखिए बच्चों, क हलन जमा औ इज इक्वल टू कौ, क हलन जमा औ इज इक्वल टू कौ। ख को औ की मात्रा लगाने से खौ, ख को औ की मात्रा लगाने से खौ। ये जो है यहाँ पर अ से औ तक जो है ये क्या है बच्चों, आज की इस क्लास में हम मात्राओं के बारे में अध्ययन किया है। तो आप जानते हैं कि अ की मात्रा किस तरह से होती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, अ की कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर आ की मात्रा जो है इस तरह से होती है। नेक्स्ट ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा। नेक्स्ट आगे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो मात्राएं देखिए बच्चों, अ से लेकर औ तक मात्राएं यहाँ पर मैंने आपको लिखवाए हैं, और उसे आपको क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर मात्राएं आपको सही तरह से लिखने के लिए आएंगे, तभी आपको क्या होगा यहाँ पर शब्द रचना में और वाक्य रचना में बहुत ही आसानी होगी या सरलता होगी। तो पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, मात्राएं और वर्णमाला आनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस तरह से मात्राओं को लिखा जाता है, और शब्दों इन मात्राओं की सहायता से शब्दों को और वाक्यों की रचना की जाती है। तो बच्चों समझ में आ गया ना आज का यह क्लास? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन मात्राओं को लिखना है और प्रैक्टिस करना है। आज के इस क्लास के आधारित आपका गृह कार्य क्या है, इन मात्राओं को लिखना है और इन्हें बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आई होप कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो आज का यह वीडियो क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे बच्चों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।